पुलवामा हमले के आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे पाकिस्तान। विदेश मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान में नहीं कोई नई बात। जैश मोहम्मद और उसके सरगना मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान के पास है पर्याप्त सबूत। कश्मीर में सुरक्षा बलों का सख्त संदेश, आतंकी हथियार छोड़े या भुगते अंजाम। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की शह पर जैश ए मोहम्मद ने किया पुलवामा आतंकी हमला। घाटी से आतंकियों के सफाई का जारी रहेगा अभियान। तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन। प्रदेश की 39 लोकसभा सीटों में से 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। गठबंधन में शामिल पीएमके को मिली 7 सीटें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वार्थ और राजनीतिक लाभ के लिए जात पात का मुद्दा उठाने वालों को पहचानना जरूरी। वाराणसी में 2 कैंसर अस्पताल समेत विकास से जुड़ी 3,350 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। डीजल से विद्युत इंजन में बदले गए पहले रेल इंजन को भी दिखाई हरी झंडी। और महिलाएं अब किसी भी आपात स्थिति में 112 हेल्पलाइन नंबर डायल कर तुरंत हासिल कर सकेंगी मदद। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने महिला सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न पहलों का किया शुभारंभ। 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में योजना लागू।